यूपी एलटी ग्रेड टीचर मैथमेटिक्स एंड टीजी टीपीएससी मैथमेटिक्स के लिए मैट्रिक्स का वीडियो नंबर है 15। इसमें क्वेश्चन हम स्टार्टिंग करेंगे एलिमेंट्री मैट्रिक्स पर। डिपेंड एलिमेंट्री मैट्रिक्स से एंड इनवर्स फाइंडिंग करेंगे द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशंस। इनवर्स फाइंड करना है इसका, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय ई ट्रांसफॉर्मेशन ई ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इनवर्स फाइंड करेंगे वाई ई ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें लेते हैं ए इक्वल टू आई ए ले लेते हैं। ए आइडेंटिटी, आई इज द आइडेंटिटीज होता है। उसके बाद आई इक्वल टू बी ए, यानी बी इज द इनवर्स एलिमेंट अगर है, बी इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए है तो देखिएगा बी इज इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ ए, तो आई इक्वल टू होगा बी ए, आई इक्वल टू बी ए होगा। ठीक है, यहाँ पे आई ए इनवर्स से अगर मल्टीप्लाइंग करते हैं तो ए इंटू इनवर्स हो जाएगा बी, ए इंटू इनवर्स बराबर होता है आइडेंटिटी, तो आई ए इनवर्स बराबर बी आई, यानी कि आइडेंटिटी तो वन होता ही है, इनवर्स आइडेंटिटी वन, यानी ए इनवर्स बराबर बी। इस तरह से इसमें क्वेश्चन करके हम सॉल्व करेंगे। इस पर कुछ मोस्ट पॉइंट हैं, यानी कि फंडामेंटल्स चीज़ें हैं जो थ्योरम्स वगैरह हैं, जिनको मतलब प्रूफ नहीं करना है, यानी कि प्रूफिंग कर तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु प्रूफ पे आएगा नहीं, यानी स्टेटमेंट पे ही क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन में ई एलिमेंट्री एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल। नंबर टू है एन एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल, इन्वर्टेबल्स होता है। दूसरा है रैंक ऑफ ए इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए डैश, यानी कि रैंक ऑफ ए डैश इक्वल टू रैंक ऑफ ए होता है, यानी रैंक ऑफ द ट्रांसवर्स ऑफ ए मैट्रिक इज द सेम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स ऑफ रैंक। ठीक है, यानी कि किसी मैट्रिक्स के ट्रांसवर्स का रैंक भी उसी मैट्रिक्स के रैंक के बराबर होता है। ठीक है, ये इसमें छोटा सा एक पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट से इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रैंक, ये सॉरी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव द सेम रैंक, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स हैव द सेम रैंक। अगर बी एंड ए इक्विवेलेंट मैट्रिक्स है तो उनकी जो रैंक होती है वो सेम रैंक होती है। नेक्स्ट है रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, चौथा पॉइंट रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रैंक, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन नॉट एक्सीड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, कोई से भी मैट्रिक्स से ज़्यादा नहीं होता है। यानी कि रैंक ऑफ ए बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए, या रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ बी, यानी रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का रैंक कैन नॉट एक्सीड, यानी कि ज़्यादा नहीं होता टू द रैंक ऑफ आइदर मैट्रिक्स, कोई से भी मैट्रिक्स से, यानी ए ए के रैंक से भी ज़्यादा नहीं होगा एंड बी के रैंक से भी ज़्यादा नहीं होगा। रैंक ऑफ ए बी इज़ नॉट ग्रेटर देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए और रैंक ऑफ मैट्रिक्स बी, किसी से भी ज़्यादा नहीं होता, लगभग छोटा या बराबर होता है। एक पॉइंट इसमें और है, रैंक ऑफ ए ए डैश इक्वल टू होता है रैंक ऑफ ए, पॉइंट नंबर फाइव। ये पांच छः पॉइंट मतलब मोस्ट पॉइंट हैं, इन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। रैंक ऑफ ए ए डैश इक्वल टू होगा रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए ए डैश इक्वल टू रैंक ऑफ ए के इक्वल होता है। अब हम इस पे क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे, फाइंड द ए इनवर्स। कई क्वेश्चन ए इनवर्स का उसमें एलटी वाले में दिया हुआ है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। इनवर्स दो मेथड से होते हैं, एक तो 12th क्लास का मेथड होता है,
है ना, एडजेंट ए वगैरह निकालते हैं, एडजेंट ए और वाई मॉड ऑफ ए, उससे इनवर्स निकालते हैं। एक होता है ईरो ऑपरेशन। अब तो 12th क्लास में भी ये वाला मेथड ही अप्लाई हो गया है, ज़्यादातर यही लग गया है, ठीक है। ईरो ऑपरेशन से ही क्वेश्चन वहाँ पे भी किए जाने लग गए हैं। उससे पहले लगा करता था कोई से भी निकाल सकते हैं, हमको इन्वर्स फाइंड करना है, मतलब है इन्वर्स फाइंड हो जाए आएगा तो वही, चाहे ईरो मेथड से करें या एडेस इन्वर्स इक्वल टू एडजेंट ए बाई मॉड ऑफ ए से करें, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम किस से कर रहे हैं, कौन सा मेथड यहाँ पे सुटेबल हो रहा है। ऐसा तो वो कहेगा नहीं, ईरो से ही करो, है ना, सॉल्यूशन लिख के नहीं देना है, इन्वर्स केवल फाइंड करना है जो उनसे सुटेबल दिख रहा हो। देखिएगा, इसके लिए अभी हम फॉर्म बता रहे थे, ए इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं, यानी कि ए को लिखेंगे 100621432। आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 100 100 010 001 एंड ए ए को ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ रिएक्शंस हमको ऐसा करना है, जो रिएक्शन हम यहाँ पे करेंगे वो रिएक्शन यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है, समझ रहे ना। जो रिएक्शन यहाँ पे करेंगे मतलब ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हम इसको आइडेंटिटी एलिमेंट बना लेंगे, जो ए है ए को आइडेंटिटी बना लेंगे। ए ए जब आइडेंटिटी आ जाएगा, यानी डायगोनल में एलिमेंट बचाना यहाँ पे है, यहाँ पे और यहाँ पे एलिमेंट बचाना है, ये एंड ये, इनको करना है जीरो। रिएक्शन आर से ही कर लें या सी से कर लें, किस एक से करना है, या तो आर से या सी से, तो बेटर रहेगा आर से करना, क्योंकि यहाँ पे जीरो बने पड़े हैं, वो फ़ायदा भी देंगे, ठीक है। तो हमको प्रॉफिट वाली बात ये है, कितने जीरो सिर्फ बनाने, एक दो तीन और एक ही चार, चार एलिमेंट को जीरो बनाना है। जो रिएक्शन यहाँ करना वो यहाँ भी करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इंटरचेंज करने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, तो इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ आ जाएगा। वैसे डायगोनल में जैसे पड़ा हुआ है, जहाँ पे प्रॉफिट वाली बात है, ये फ़ायदा हो रहा है, तो हम इंटरचेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको बनाना है इसको जीरो, इसको जीरो, इसको जीरो। तो पहले हम इसको जीरो बना सकते हैं, ओके, बनाया जा सकता है बड़े आराम से। चलो इसको पहले सिक्स को जीरो बना देते हैं, सिक्स को जीरो बना रहे हैं, आर वन टेंस टू R1-3R2। R1 टेंस टू R1-3R2। गलती यहाँ पे क्या होती है, बंदा ध्यान केवल यहाँ रखता है, यहाँ बनाना है, यहाँ नहीं कुछ होता, यहाँ भी करना है बार बार, स्टेप जो स्टेप यहाँ क्या है वो भी यहाँ भी करना है, नहीं करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। अब देखिएगा, 100 R1 में से 3R2 कटाएंगे, जीरो से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे 4-3 4-9 यानी कि -5 हो जाएगा, 3-2। यहाँ करना बहुत ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसमें तो 3R2 घटाने कोई फ़ायदा नहीं हुआ, 0-3 यानी कि -3 हो जाएगा, बाकी में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा, पर ये -3 तो आया। अब क्या करना, इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बनाना, इसको ज़ीरो बनाना। अब देखेंगे, या अगर इससे जीरो बनाएं तो ये इसको बिगाड़ ले जाएगा, ठीक है, वो जीरो अभी जो बनाए उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम चाहेंगे कि पहले ये जीरो बन जाए, ये जीरो बन जाए, इसका काम ख़त्म हो जाए, इसका इससे R1 से नहीं बनाएंगे, अगर R1 से बनाएंगे तो ये जीरो बिगड़ जाए, R2 से इस R3 को जीरो बनाना होगा, R2 से R3 को बनाएंगे ताकि ये जीरो भी ना बिगड़े और ये बन भी जाए। तो रिएक्शन करनी चाहिए हमको, रिएक्शन होनी चाहिए R3 टेंस टू 2R3-R2, इसका ट्वाइस करेंगे और ये घटा लेंगे, 100 2 0 2 और ये ज़ीरो हो गया, 2-2 यहाँ का -5 3, 2 2 4, 4 में से 3 घटाएंगे, 1 बचेगा। यहाँ पे करना ना भूलेंगे, R3 में करना है, R3 में से 2R2 घटाएंगे, यहाँ 2 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का, बस इतना सा इफेक्ट पड़ेगा कि ये 2 हो जाएगा, ठीक है, कुछ तो बदला, कहीं तो बदला, कहाँ पे बदला, ये बदला, 2R3 हुआ, R2 0 घटा, कोई इफेक्ट नहीं, इन दोनों में कुछ नहीं आया, यानी कि 0 × 0 × 0 - 0 घटाएंगे, वो वहीं रह गया। लगभग क्वेश्चन होने की कगार पे है, कितना बच रहा है, ये एलिमेंट आ ही गया है, दो चीज़ों को जीरो बनाना है। अब हम इस वन से इसको जीरो बना सकते हैं, ओके, और इस 3 को भी जीरो बना सकते हैं, अगर इस वाले से बनाएंगे तो ये जीरो बिगड़ जाएगा। अब हमको केवल सारा खेल इसी से करना है, इससे इसको, इससे इसको, ठीक है,
अब हम एक ही बार में कर दे रहे हैं दोनों रिएक्शन, नहीं अलग अलग कर लें क्योंकि कभी एक बार वहाँ करने पे फिर दूसरी बार बिगड़ जाए। चलो अलग अलग कर ले रहे हैं, तो क्या करना चाहिए हमको, R1 टेंस टू R1 प्लस 5 R3, ठीक है, R1 टेंस टू R1 प्लस 5 R3, तो ये होगा 100, 0 ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। R1 प्लस 5 R3 0, यानी कि -5 प्लस 5 0, बाकी में कुछ और हुआ ही नहीं है। वहाँ पे भी ध्यान रखेंगे 5 R3 जोड़ने में कोई इफेक्ट तो नहीं डालेगा, ये 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, यहाँ तक तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, यहाँ पे पड़ जाएगा 5 × 10 या 10 हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे 10 पहुँच गया है। ठीक, अब बात आती है क्या करना, इस 3 को और 0 बनाना, ये सिर्फ बचा है। तो R2 टेंस टू रिएक्शन होना चाहिए, अब की बार क्या रिएक्शन होना चाहिए, R2 टेंस टू R2 माइनस 3 R3, ठीक है, R2 माइनस 3 R3, तो देखिएगा 100 0 2 0 0 और 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और ये 1 ही रहेगा, ठीक है, बाकी R2 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, 100 0, यहाँ पे R2 R3 में कोई एलिमेंट है ही नहीं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 0 0, और यहाँ पे पढ़ना है बस लास्ट वाली लाइन में ध्यान रखने हैं, R2 माइनस 3 R3 यानी कि 3 × 6 -6 0 -6 -6 हो गया, और ये हो गया ए। अब बनाना है इसको आइडेंटिकल, आइडेंटिकल कैसे, यानी कि 1 1 1, यहाँ तो 1 है, R2 में 2 चल रहा है, R2 को डिवाइडिंग कर देते हैं R2 by 2 से, जहाँ जहाँ R2 है 2 से डिवाइडिंग कर देते हैं, तो यहाँ पे 100 0 0 1 0 0 0 1, ओके, और यहाँ पे 1 - 3 10, 0 0 - 3, 2 से डिवाइडिंग हो रहा है, 0 को 2 से डिवाइडिंग करें कुछ और इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, यहाँ भी वहाँ भी, एंड 0 0 2, एंड ये A आ गया, ये बन गया आइडेंटिटीज, ठीक है, 100 0 - 3 0 0 10 - 3 2, एंड ये A। अब इस A को इधर लाएंगे, I अपॉन A यानी ऊपर आके हो जाएगा A इनवर्स, ऊपर आके क्या हो जाएगा, वो A इनवर्स हो जाएगा, यानी कि I अपॉन A इक्वल टू I, तो आइडेंटिटीज़ होता है, आइडेंटिटीज़ मल्टीपल आइडेंटिटीज़ वन होती है, उसको मल्टीपल में लिखने का कोई खास फ़ायदा नहीं होता है, आइडेंटिटी यानी 1, ये A इनवर्स निकल आएगा, -3 0 0 10 - 3 2, ठीक है, देन A इनवर्स इक्वल टू आ गया, A इनवर्स इक्वल टू 1 0 0 - 3 0 0 10 - 3 एंड 2, ये वैल्यूज आ गया ए इनवर्स का, ठीक है, ए इनवर्स की क्वांटिटीज आ चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और चेक भी करते रहिएगा, हो सके कोई गलती हो जाए, ठीक है, क्योंकि इन क्वेश्चनों में गलती बहुत जल्दी हुआ करती है, ठीक, एक क्वेश्चन इसमें और लगा देते हैं कि गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस रहता है, कहीं कुछ छूट गया तो ना, किसी कोई गड़बड़ हो गई तो आंसर नहीं निकलता है, गलती हो जाता है। क्वेश्चन है जैसे हमारा 1 2 3 2 4 5 3 5 6, फाइंड ए इनवर्स फाइंड करना है भाई, जैसे मन करे अर्जेंटे वाले मेथड से करें कि इससे करें, ईरो वाले मेथड से करें, चलो ईरो वाला चल रहा है तो ईरो से ही करना है हमको, तो क्या था I इक्वल टू, क्या माने थे, स्टेप जहाँ से स्टार्टिंग करते हैं A इक्वल टू I इंटू A, तो 1 2 3 2 4 5 3 5 6 एंड I द आइडेंटिटी एलिमेंट 0 1 0 0 0 1 एंड A, जो रिएक्शन यहाँ करना वही रिएक्शन यहाँ भी करना, थोड़ी सी भी गलती गड़बड़ कर देती है, डायगनल में केवल 1 1 बचाना है, बाकी सब हटा देने हैं। तो हम स्टार्ट हो जाते हैं R2 टेंस टू R2 माइनस R1 से, R2 माइनस R1 करेंगे तो ये 0 बन जा रहा, ये तो बन रहा है, ये बिगड़ रहा है, थोड़ा सा नुकसान हो रहा है,
थोड़ा सा नुकसान हुआ, चलो एक बार होने दो, ये तो बनेगा ना। देखते हैं फिर क्या होता है। क्या हुआ वन, ये जी, अरे अरे आठ, नहीं, आर टू माइनस आर वन से बात नहीं बननी, आर टू माइनस टू आर वन से बात बनेगी। टू आर वन करेंगे तभी जीरो बनेगा, अभी ऐसे बनेगा नहीं। एंड टू ये ज़ीरो, और फाइव थ्री है, पाँच माइनस छः, पाँच माइनस छः माइनस वन हुआ, पाँच माइनस छः माइनस वन हो गया, ये छः हो गया। और आर टू माइनस टू आर वन वन ज़ीरो, और ये हो जाएगा टू आर वन माइनस का टू वन ज़ीरो 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 वन, ठीक है, ये एलिमेंट बन चुका है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हमको करना चाहिए, यहाँ में इसको ज़ीरो बनाना है, इसको ज़ीरो बना लें, और चलो देखते हैं कैसे बनेगा। एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो रही है, इसको ज़ीरो अगर आर से बनाएंगे तो ये भी बिगड़ेगा ना, ये बिगड़ेगा, ये भी बिगड़ेगा, जो बनाए उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम चाह रहे हैं कि पहले इसको ज़ीरो बना ले जाएं, ये ज़ीरो बन जाए, ये ज़ीरो बन जाए तो इससे इसको बना ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ एलिमेंट रखना होगा। तो आर वन टाइम्स टू टू आर वन माइनस आर थ्री, ठीक है, देखा जाएगा क्या होता है। टू टू माइनस थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन, ये हो गया टू और माइनस थ्री, टू में से थ्री घटाएंगे, टू माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा, और तो कोई रिएक्शन किए नहीं है। ये दो दूनी चार, चार में से पाँच घटाया माइनस वन हो गया, जीरो फाइव, ये छः माइनस छः ज़ीरो हो गया, माइनस वन छः हो गया, इक्वल टू टू आर वन माइनस आर थ्री, यानी कि टू हो जाएगा, आर थ्री ज़ीरो है, कोई इफेक्ट और नहीं पड़ा है, यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ज़ीरो ही रहेगा, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, ज़ीरो वन एंड ए, ठीक है, बाकी तो और कोई ख़ास चेंज हुआ नहीं है। अब बात आती है, अब हमको एक तो इसको ज़ीरो बनाना है, और यहाँ डायगनल में एलिमेंट लाना है, यहाँ लाएंगे तो यहाँ भी आ जाएगा, तो स्टार्टिंग में बनाए हैं उनका कोई खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। चलो अब क्या बनाना तो है, ये लेंगे आर थ्री टेंस टू, आर थ्री टेंस टू आर थ्री, आर थ्री प्लस थ्री आर वन, आर थ्री टेंस टू आर थ्री प्लस थ्री आर वन, यहाँ पे ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस वन ज़ीरो, थ्री माइनस थ्री यानी कि ज़ीरो, माइनस वन ज़ीरो, फाइव माइनस थ्री टू हो जाएगा, ज़ीरो माइनस वन सिक्स, माइनस ज़ीरो सिक्स ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं है, ज़ीरो है। यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा वैसे ही, आर थ्री प्लस थ्री आर वन यानी कि तीन दूनी छः आ जाएगा, ज़ीरो ज़ीरो है ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ज़ीरो ही रहेगा, माइनस वन ज़ीरो और नीचे वन था यानी कि आर थ्री वन है, और थ्री आर वन माइनस थ्री हो जाएगा, वन माइनस थ्री यानी कि माइनस टू हो जाएगा, ये बन चुका है। इसको ज़ीरो बनाना नहीं, इसको बनाना है, इसको अगर हम इससे बनाते हैं तो ये ज़ीरो बिगड़ जाएगा, तो क्यों ना हम यहाँ तो हमको एलिमेंट लाना ही है, यहाँ तो लाना ही पड़ेगा, तो पहले यहाँ एलिमेंट ले आओ, यहाँ एलिमेंट ले आते हैं बाद में देखते हैं, रिप्लेसिंग कर दो इसको, रिप्लेसिंग करने से नहीं फ़ायदा होगा, यहाँ पे वन बिगड़ जाएगा। एक हमको और इससे बेटर नज़र आ रहा है कि एक और बेटर हमको ये दिख रहा है कि हम अगर इसको ज़ीरो बना ले जाएं, इससे ये ज़ीरो बन जाएगा, ये बनेगा तो ये बिगड़ेगा भी, कहीं भी बना रहे हैं एक बना रहे हैं एक बिगड़ रहा है। तो आर वन टेंस टू टू आर वन प्लस आर थ्री, एक बना रहे हैं एक बिगड़ रहा है, टू आर वन, टू आर वन यानी माइनस टू हो जाएगा, एंड ये ज़ीरो हो गया, टू आर वन प्लस आर थ्री ज़ीरो ज़ीरो टू, ये तो ज़ीरो था, टू आर वन आर थ्री यानी कि सिक्स हो गया, माइनस वन सिक्स है, यहाँ पर वही रिएक्शन करना है, टू आर वन प्लस आर थ्री यानी कि दो दूनी चार, चार प्लस छः दस हो गया, माइनस टू छः
यहाँ पे जीरो ही है दोनों आर1 आर3, कोई इफेक्ट इसमें नहीं पड़ेगा। माइनस टू हो जाएगा, माइनस टू माइनस टू, इस दो से गुणा करेंगे माइनस टू, और ये माइनस टू माइनस का फोर हो जाएगा, जीरो माइनस टू, ये ए आ गया। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ लाना है यार, ये जीरो भी बनना है। ये जीरो तब तक नहीं बनेगा जब तक यहाँ कोई एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि अगर इससे बन इससे कोई एलिमेंट है नहीं तो इसको यहाँ पहले ले आओ, और यहाँ पे ले लेके इसको जीरो बनाओ, फिर इससे इसको जीरो बनाओ। तो हम ऐसी रिएक्शन करें कि दो काम हो जाए, एक तो यहाँ एलिमेंट आ जाए और दूसरा ये जीरो बन जाए, तो फ़ायदे हम करना चाहेंगे। यहाँ एलिमेंट लाएँ, यहाँ जीरो बनाएं, तो यहाँ तो कुछ एलिमेंट आए वो तो कॉमन आ जाएगा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसको जीरो बना लो, कैसे बनाओगे, आर टू टेंस टू सिक्स आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है, ये जीरो बन जाए, बस इतने से मतलब है। इस समय वो दिख रहा है कि उसको जीरो बना ले जाओ। यहाँ आ गया छः दूनी छः आर टू है, टू आर थ्री, टू ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, टू ही आएगा। सिक्स ये ज़ीरो हो गया, माइनस छः प्लस छः, इसका तो काम ख़त्म हुआ कम से कम। अब लगभग लगभग किनारे लग रहा है क्वेश्चन, वही आर टू में वही भी करना है, ध्यान रखने हैं आर टू में होना है, आर वन में कुछ नहीं होना, आर थ्री भी कुछ नहीं होना। आर टू में हुआ सिक्स आर टू, यानी कि छः दूनी बारह, माइनस बारह प्लस छः, माइनस बारह प्लस छः माइनस छः हो गया, और छः छः प्लस ज़ीरो छः हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टू। गुड, अब क्या करना है, एक तो इसको जीरो बनाना, इससे जीरो बन जाएगा इजीली, बन गया बड़े आसानी से, और फिर ये छः बजेगा, छः से छः इसको भी जीरो बना ले जाएंगे। अब क्वेश्चन लगभग लगभग हो चुका है, बहुत करीब पहुंच गए हैं, ठीक है। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता है, इसमें ज़्यादा सोचा जाए तो अर्जेंट ए ज़्यादा अच्छा सूटेबल मेथड होता है, ठीक है, अर्जेंट ए बेटर मेथड होता है, कोई डायरेक्ट उसमें स्टेप बनते चले जाते हैं, और इसमें जिसकी ज़्यादा प्रैक्टिस है तो ये भी कोई अच्छा बुरा नहीं है। आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर टू का माइनस टू ज़ीरो 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 टू ज़ीरो सिक्स ज़ीरो एंड सिक्स, आर टू घटा रहे हैं आर थ्री में से, आर टू घटा रहे हैं तो सिक्स माइनस जीरो जीरो ही होगा। अब हमको ये और जीरो बनाना है, नेक्स्ट लाइन बन जाएगा आर थ्री माइनस आर टू करना है, आर थ्री में केवल चेंज होना है, आर टू में कोई चेंज नहीं है। सिक्स सिक्स माइनस यानी प्लस सिक्स यानी कि बारह, और ये माइनस छः, और इसमें से घटाएंगे जीरो हो जाएगा यार, माइनस टू प्लस टू ज़ीरो हो गया, चलो कोई बात नहीं। अब क्या करना, इसको और जीरो बनाना है, तो आर वन टेंस टू आर वन माइनस आर थ्री, ये छः से छः जीरो हो जाएगा, माइनस टू ज़ीरो 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 टू ज़ीरो 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 सिक्स, आर वन में से आर थ्री और घटा लेंगे, टेन माइनस का बारह माइनस टू हो गया, और ये माइनस घटाएंगे छः हो गया, और वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है, ठीक है। अब आर वन से माइनस टू को मान लेंगे, आर वन टेंस टू आर वन अपॉन माइनस टू, एंड आर टू टेंस टू आर टू अपॉन टू, एंड आर थ्री टेंस टू आर थ्री अपॉन सिक्स, इस तरह से हम डिवाइडिंग कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन जो बनेगी वो लगभग लगभग आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको वन ज़ीरो ज़ीरो वन ज़ीरो वन ज़ीरो 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 वन आइडेंटिटी बनाना है। माइनस टू से डिवाइडिंग किया तो ये वन हो गया, माइनस का थ्री हो गया, टू हो गया, इसको टू से डिवाइडिंग किया माइनस का थ्री एंड थ्री एंड माइनस वन, इसको सिक्स से डिवाइडिंग किया टू माइनस वन ज़ीरो, ए इनवर्स यही है बनेगा, है ना। तो ए इनवर्स डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, लास्ट लाइन तो क्लियर हो गई, वो आइडेंटिटीज है, ए को इधर लाएंगे अपॉन में आएंगे वो ए इनवर्स हो जाएगा। देन ए इनवर्स इक्वल टू होगा वन माइनस थ्री टू माइनस का थ्री थ्री माइनस वन टू माइनस वन एंड ज़ीरो, ये होगा इसका ए इनवर्स।